दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जिन भी किसानों का अगर किसी किस्त का पैसा अटका हुआ है तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसा उन किसानों को क्या करना होगा कि जब भी अगली किस्त का पैसा ट्रांसफर किया जाए तो उनकी जितने भी किस्तों का पैसा अभी तक अटका हुआ है सारा एक साथ उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो कम्प्लीट जानकारी पाने के लिए वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसान के बेनिफिशियरी स्टेटस में कौन कौन सी डिटेल यहाँ पे सही होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हमने एक बेनिफिशियरी का स्टेटस यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एफटीओ प्रोसीड का एक ऑप्शन देखने को मिलता है जहाँ पर कि आपका यस का ऑप्शन होना चाहिए तभी आपके बैंक खाते में किसान सम्मान निधि योजना का पैसा ट्रांसफर हो पाएगा। एंड साथ ही में इसके बाद में आप देख पा रहे चौथवी किस्त का स्टेटस है। एंड इसके अलावा आपके बेनिफिशियरी स्टेटस में आपका पेमेंट मोड आधार होना चाहिए। एंड इसी के साथ आपके किस बैंक में आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है बैंक का नेम आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ में जिस भी अकाउंट में आपकी पीएम किसान की किस्त का पैसा क्रेडिट हुआ है वो अकाउंट की डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। एंड इसके अलावा जब भी ऑनलाइन आपके बैंक खाते में सरकार के द्वारा फंड ट्रांसफर किया जाता है तो उसका एक यूटीआर नंबर जनरेट हो जाता है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड साथ में जिस भी डेट को आपके बैंक खाते में पैसा क्रेडिट हुआ है वो डेट आपको देखने को मिल जाती है। तो ये सारी चीजें आपके बेनिफिशियरी स्टेटस में होनी चाहिए। एंड इसके अलावा आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है रीजन ऑफ एफटीओ नॉट प्रोसीड, तो आपको यहाँ पे रीजन देखने को मिल जाएगा जिसके कारण आपके बैंक खाते में पीएम किसान की किस्त का पैसा ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है तो रीजन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये मेन चीज है आपके बेनिफिशियरी स्टेटस में शो होनी चाहिए तभी आपके बैंक खाते में पीएम किसान की किस्त का पैसा ट्रांसफर हो पाएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपको ऐसा क्या करना होगा जिससे कि आपके पीएम किसान की जितनी भी किस्तों का पैसा अभी तक आपके बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं हो पाए वो एक साथ आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो सबसे पहले जो मेन ऑप्शन है आपको अपने बैंक खाते को अपने आधार कार्ड के साथ में लिंक करना होता है क्योंकि सरकार के द्वारा जितना भी ऑनलाइन पैसा आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है वो आपके आधार कार्ड के थ्रू में ट्रांसफर किया जाता है। तो आपको जरूर से अपने बैंक खाते को अपने आधार कार्ड के साथ में लिंक करा लेना चाहिए जिसके लिए आप अपने बैंक ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। इसके बाद में जो सेकंड मेन ऑप्शन आता है आपके बैंक खाते में आधार सीडिंग स्टेटस यस होना चाहिए। तो आप आधार सीडिंग स्टेटस कैसे चेक करेंगे इसके लिए सबसे पहले आपको हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक देखने को मिल जाएगा जिसके थ्रू आपको आधार कार्ड की इस ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाना है। कुछ इस तरीके से आप सभी के सामने एक पेज ओपन होकर आ जाएगा। आपको यहाँ पे तीसरे नंबर पे आधार सर्विसेज का एक सेक्शन देखने को मिल जाएगा तो आपको यहाँ पे चले आना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है चेक आधार बैंक सीडिंग स्टेटस, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद में एक नया पेज आप सभी के सामने ओपन होकर आ जाएगा जहां पर आपको आपका आधार कार्ड नंबर इंटर कर लेना है। इसके बाद कैप्चा फिलअप करके सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड की जाएगी जिसे आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। सबमिट वाले ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे अगर आपके बैंक खाते में आपका आधार कार्ड लिंक होता है तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से कॉन्ग्रेचुलेशन का एक मैसेज देखने को मिल जाएगा। साथ ही में आपकी बैंक की डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा बैंक सीडिंग स्टेटस जो कि हमारे यहाँ पे एक्टिव है, तो आपके भी बैंक खाते में यहाँ पे बैंक सीडिंग स्टेटस एक्टिव होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से आप बैंक सीडिंग का स्टेटस चेक कर सकते हैं। एंड इसके बाद में आपको जो तीसरा काम करना है आपको आपके बैंक खाते में आपका डीबीटी स्टेटस को एक्टिव करना होगा जिसके लिए आपको अपने ब्रांच में विजिट करना होगा। एंड आपको वहाँ पे एक फॉर्म दिया जाएगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का, तो आप उस फॉर्म को फिलअप करेंगे। एंड इसके बाद में जैसे आप उसे अपने बैंक में जमा करेंगे तो सक्सेसफुली आपके बैंक खाते में डीबीटी स्टेटस को एक्टिव कर दिया जाएगा जिसके बाद में सरकार के द्वारा ऑनलाइन जितने भी स्कीम का पैसा आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है वो सक्सेसफुली आपके खाते में ऐड हो जाएगा। एंड इसके बाद में जो चौथा स्टेप है आपको आपकी पीएम ईकेवाईसी कंप्लीट करानी होगी। आप किस तरीके से अपनी ईकेवाईसी कंप्लीट करा सकते हैं लिंक आपको हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। एंड इसी के साथ में जो लास्ट स्टेप है आपको आपकी पीएम किसान की बेनिफिशियरी स्टेटस को चेक करना होगा। ये पांच स्टेप आपको कंप्लीट कर लेने हैं जिसके बाद में पीएम किसान की जब भी 15वीं किस्त जारी की जाएगी तो आपके जितने भी किस्तों का पैसा अभी तक आपके बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं हो पाए वो सारे किस्तों का पैसा एक साथ में आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आशा करूंगा आपको आज की जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको इसी प्रकार के और वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रोजाना आपको हमारे चैनल पर इसी प्रकार के वीडियो देखने को मिलते रहते हैं।